हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो कैसे हैं आप सब? आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार सा है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इजी मैसी बन, जिसको हम अपनी ज़बान में और मेरी ज़बान में हम लोग जो है वो जूड़ा भी कह सकते हैं और जूड़ा ही कहते हैं। मैसी बन लाइक बन वगैरह ये सब चीज़ें भी बोल देते हैं, लेकिन हम देसी लोग जो हैं वो जूड़ा यही सब चीज़ें बोलते हैं। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मैं तो जूड़ा ही बोलती हूँ। सो आज मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आई हूँ, आप लोगों को मैं वो सिखाऊंगी। बहुत कोई इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मेरी अम्मा को बहुत पसंद है जब वो मैं बांधती हूँ, और जब मैं आम रूटीन में भी जो है वही बांध रखती हूँ तो मेरी अम्मा को वो मुझ पर बहुत सूट करता है। वो कहती हैं कि नहीं, तुम पर बहुत अच्छा लगता है। उनका बस चले तो वो कहें कि तुम ना शादियों में भी वही बांधा करो। तो वीडियो को अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने मेरी वीडियो एंड तक देखना है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लाइनर कितना मज़े का लगा है, एक में मोटा एक में पतला। तो ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है। तो नहीं आता यार, आपकी बहन को कुछ भी नहीं आता, बस लगा दिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आप लोग ने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो मैंने अपने बालों को इस तरह से खोल लिया है, और अब मैं जो है अपने आपको दिखाऊंगी। ये सिर्फ 2 मिनट में बनेगा, मतलब मिनटों में बनेगा ये, मिनटों में। अच्छा, हमारे घर में आवाज़ें इतनी आती हैं कि मैं वीडियो को मुस्तकिल जो है बना ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे ही बना लेती हूँ, और बाद में जो है आप लोग तक अपनी प्यारी सी आवाज़ पहुँचा दूँगी। तो इस तरह से मैंने अपनी फिंगर्स की मदद से जो है अपने बालों को ऐसे कर लिया है, ऐसे, मतलब आप समझ गए होंगे कैसे। और ये बैंड मेरा नीचे गिर गया था, और मैंने सोचा कि यार क्यों झुकूँ, मैं ऐसे ही उठाऊँगी। तो मैंने अपने पैरों से उठा लिया। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो खैर, अब हमने इसको टाइट करके बिल्कुल कस के अपने बालों को बांध लेना है। ऐसे ही कसना है जिस तरह से हमारी अम्माएं हमारी लगामें कसती हैं। तो हमने इस तरह से अपने बालों को बिल्कुल कस के बांध लेना है। उसके बाद हमने जो है वो अपने बालों के 2 पार्ट करने हैं। मेरे बाल माशाल्लाह बहुत घने हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, 2-3 बचे हैं। इतने गिरते हैं कि बाल, मुझे तो लगता है कि अभी एक बार मैं गंजी ही हो जाऊंगी। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट कर लेने हैं, और उसके बाद हमने इसको घुमा लेना है। और उसके बाद हमने जूड़ा पिन की मदद से अपने इस तरह से जो हमने घुमाया है उसको लगा लेना है। अच्छा, अब मुझे बोलना नहीं आ रहा, पता नहीं आप लोग बोल लोगे, पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है, लेकिन हम बोलेंगे फिर भी। तो अब हमने दूसरा जो हमारे बालों का पार्ट था उसको हमने दोबारा से वैसे ही जैसे हमने पहले वाले पार्ट को करा था, उस तरह से ही हमने इसको भी पिनों की मदद से जो है टिका लेना है, और बोलना है कि बस यहीं बैठो। उस तरीके से टिकाना है जिस तरह से बीच में मेरे मैसेजेस भी आना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरी बहनों को सुकून नहीं होता, वो हर वक्त मैसेज करती रहती हैं। तो हमने यहाँ कर दिया, मैंने लगा दिया साइलेंट पे ताकि मुझे कोई मैसेज की नोटिफिकेशन मिले ही नहीं। अच्छा, अब ये मैंने निकाली हैं लटें शटें निकालना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ये लट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना ना, मतलब इसके बगैर अधूरा सा लगता है कुछ। अच्छा, मेरी लटें निकलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती निकालती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बाल हैं, लंबी लंबी, तो लटें बहुत बुरी लगती हैं, और जब मैं निकालती हूँ तो मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए मैं अब लटें निकालती नहीं हूँ, मैं सिर्फ छोटे छोटे जो मेरे बाल होते हैं वही मैं निकाल लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लुक आता है। अब ये हमारा जोड़ा जो है बन चुका है, और बहुत कोई मज़े का बना है, मज़े का मतलब देखने में मज़े का लग रहा है, मतलब खाने वाला मज़े का नहीं, वैसे अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा जोड़ा रेडी, देख सकते हैं कितने मज़ेदार सा जूड़ा बना है मेरा, बिल्कुल परफेक्ट बना है, और बहुत जल्दी। जी तो ये हमारा है दूसरा वाला स्टाइल, जो कि ये बहुत 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 ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब ये तो आप कहीं भी खड़े हुए हों, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आप फ़ौरन बांध सकते हैं। जब अगर आपको गर्मी लग रही है, आप शादी में गए हुए हैं, तो आपने जो है वो फ़ौरन बांधना है। और ये मेरा मास्क उतर गया था, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी, तो वो मेरे साथ मसला है कि मैं बहुत जज्बाती हूँ, सब कहते हैं। तो खैर, ये हमने इस तरह से जैसे हमने पहले किया था, अब हमने बैंड नहीं लगाना, अब हमने सिर्फ डायरेक्ट जो है अपने जो बन को है बन बांधना है, मतलब जूड़ा बांधना है, भाई मैं जूड़ा बोलूँगी, मैं बन शन नहीं बोल रही। तो हमने अपने जूड़ा बांधना है, हमने बैंड नहीं लगाना, हमने डायरेक्ट जो है इसको घुमाना है, और इसको इस तरह से जो है ना फोल्ड करना है। अपनी फिंगर्स को हमने बीच में रखना है, और अपनी फिंगर्स पे इसको घुमाना है बालों को,
और उसके बाद जो है मैंने जूड़ा पिन जो है उससे इसको टिकाना है। अच्छा, मेरे नीचे रखे हुए थे तो जूड़ा पिन मुझे मिल रहे थे, तो मैंने बैंड ही ले लिया। मैंने कहा चलो यार बैंड से ही हम इसको काम चला लेते हैं। अब हमने इसको खींचना है, खींचना उस तरह से जैसे जो बच्चे छोटे रह जाते हैं तो हम उसको पकड़ के खींच दो मतलब कुछ भी है ना, तो मतलब मैंने बोलना है भाई मैं बोलूँगी। तो मैंने इस तरह से अपने जूड़े को बालों को पकड़ के खींचना है ताकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा लगे और अच्छा लगे, क्योंकि जिनके छोटे छोटे और पतले पतले बाल होते हैं मेरी तरह घने नहीं होते, तो उनके लिए ये बेस्ट है। बेस्ट मतलब बेस्ट है और बहुत अच्छा लुक देता है, बहुत बहुत प्रिटी लुक आता है, बहुत बहुत हसीन लगता है क्योंकि उसे लगता है कि हमारे बाल बड़े हो गए। ओह माय गॉड। तो हमने जो है इस तरह से बांध लिया, फिर हमने लटें निकाली। लटें शटें जैसा आपको पहले बताया था कि बहुत ज़रूरी हैं, और हमने इस तरह से लटें निकाल ली हैं और ये हमारा जूड़ा हो गया है तैयार। अब मैंने सोचा कि यार थोड़ी शशके मार लेती हूँ, थोड़ा सा स्टाइल विस्टाइल दे देती हूँ, ऐसी घूम घाम के दिखा देती हूँ आपको जैसे और लोग दिखाते हैं ना यूट्यूबर्स यू नो। सो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ जी। तो ये मेरे था इजी एंड सिंपल से हेयर मैसिंग बनाने ट्यूटोरियल, जो कि बहुत इजी था। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि बहुत 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 सिंपल है, बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है, कोई भी। और ये एवरीडे हेयर मैसिंग बन कह सकते हैं इसको, क्योंकि मतलब आजकल इतनी गर्मियाँ, कौन लड़कियाँ बाल खोल के घर में बैठी हुई होती हैं यार। मतलब मैं खुद भी इस तरह से ही रहती हूँ अपने घर में, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, लाइटें आप लोग को पता है। सो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई, आप लोग को अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, तो अपनी दुआओं में मुझे सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।